रिहाई में क्या कहना है मैम आपको, आप जो उम्मीद से आए थे? हाँ, उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही किया, जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे, इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से, कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है, हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। तो आप क्या राज्यपाल से भी कुछ गुहार लगाने जाने वाले हैं क्या? पहले भी हम लगा चुके हैं, अभी जब आए थे पहले भी हमने कई चिट्ठियां भेजी हैं, मेल भी भेजे हैं, रिक्वेस्ट भी करी है, अभी कर रहे हैं, अभी आपके द्वारा भी उन तक बात हमारी पहुंच रही है कि रिहाई पर रोक लगा दीजिए। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं, जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने RTI से प्राप्त किए हैं, वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है, कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका अच्छा आचरण की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। अरे अच्छा आचरण तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात मानी जाए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने ये कहा था कि अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद मिले, तो उम्र कैद क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई, सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया, कौन सा अच्छा चाल चलन? हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5-स्टार होटल में रह रहा है, तो ये अच्छा चाल चलन है? ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए, और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए, तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है।